नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिर छत्तीसगढ़ की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो क्यों अटक रही है, क्यों अटक गई है नौकरियां। पूरे विस्तार से बात करेंगे। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, ये पेपर कटिंग जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, 595 प्रोफेसर 500 छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अफसरों की लापरवाही से अटकी सरकारी नौकरियां। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कई सारे ऐसे कारण है। आप सीजीपीएससी से जो छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आई हुई थी, बिना किसी कारण उसमें स्पष्ट किया गया था कि अपरिहार्य कारणों से, है ना। तो इसके पीछे क्या कारण थी, वो कारण किसी को पता नहीं है। ये जो कारण है, बिना कारण बताए बेरोजगारों को पता तक नहीं है और भर्ती प्रक्रिया लटक रही है। ये केस नंबर एक है। केस नंबर दो की मैं बात करूं तो ठंडे बस्ते में डाला प्रोफेसर भर्ती का प्रस्ताव। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग के जो प्रोफेसर की भर्ती है उसका भी प्रस्ताव जो है रोक दिया गया है। अभी भी उस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। उस पर सीजी सेट भी आयोजित होना है, लेकिन कब सीजी सेट की जो परीक्षा है आयोजित होगी, ये कह पाना भी अभी मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो वर्तमान में अभी आप जान रहे हैं 12,489 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, वो भी कारण से ही रद्द हुआ है मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नियम में अधिकांश फेरबदल भी एक प्रमुख वजह है जिसके वजह से अभ्यर्थियों को लगा कि उनके उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये प्रमुख वजह रही कि वे न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय के माध्यम से उनको जीत मिली। जीत कहने से तात्पर्य है कि उस पद पर, अर्थात शिक्षक भर्ती की पदों पर स्टे ऑर्डर मिल गया है। अब जो डेट आएगा, जो कि 6 अगस्त की तिथि हो रही है, सुनवाई की अगली तिथि, तो ये भी भर्ती प्रक्रिया जो है अटक गई है। कहीं ना कहीं इसका जो सीधा और प्रत्यक्ष बात करें तो अधिकारियों के ऊपर ही इन तमाम भर्तियों के पीछे वजह बताया जा रहा है। हालांकि साथियों, देखिए, वजह जैसा भी रहे, इसका सीधा नुकसान जो है युवा बेरोजगारों को होता है, क्योंकि आने वाले कुछ माह में हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसी स्थिति में भर्तियों का रुकना राजनीति के लिए भी एक सियासत खड़ी हो जाती है, राजनीति में एक सियासत बन जाती है, क्योंकि भर्ती ना निकलना या भर्तियों का रुक जाना भी कहीं ना कहीं उस पार्टी की छवि को भी दागदार बना देता है जिस पार्टी की सरकार वर्तमान में होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।